नमस्कार, मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रुचि लाइव। मनीष कश्यप मामले पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हम फिर से एक बार आपसे जुड़ रहे हैं व्यूवर्स। और आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु जाने के दौरान नीतीश सरकार पर बोला जोर का हमला। जी हां, मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिस्ट रिमांड पर लेकर गई है। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने फिर दोहराया कि उसने जो भी वीडियो दिखाया है वे पूरी तरीके से सही है। मनीष कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने जो भी चीज़ दिखाई वे वीडियो YouTube पर मौजूद है, जिसे जाकर अभी भी देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने पुलिस के एक्शन पर सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हथकड़ी ऊपर उठाते हुए कहा कि तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरे साथ राजनीति हो रही है। जी हां, मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस को लेकर साफ कर दिया कि उन्होंने उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके साथ राजनीति हो रही है। मनीष कश्यप ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी पत्रकार को हथकड़ी लगाई गई। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब भारत देश में किसी पत्रकार को ट्रांजिस्ट रिमांड पर लिया गया है। मनीष कश्यप ने कहा कि देश के तमाम पत्रकारों को उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसे नेताओं पर भरोसा नहीं है और बिहार के नेताओं ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। हालांकि मनीष कश्यप ने भरोसा जताया कि आज नहीं तो कल बिहार जरूर बदलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, मैंने सिर्फ मजदूरों की आवाज उठाई है। बता दें कि प्रोडक्शन वारंट लेकर पहुंची तमिलनाडु पुलिस न्यायालय के आदेश के बाद आज यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर चेन्नई रवाना हो गई, लेकिन बिहार पुलिस भी इस टीम के साथ गई है। मनीष कश्यप को 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन चेन्नई ले जाने के वक्त पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप ने कहा कि उन्हें न्यायालय व कानून पर भरोसा है। इस तरह मनीष कश्यप बिहार के जेल से बाहर निकलकर तमिलनाडु जा चुके हैं, जहां की उनसे कड़ी पूछताछ होगी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरह से एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला वह चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजरें इस केस पर टिकी हुई है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, व्यूवर्स आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है, तो आप अपने चैनल रुचि लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।